सत्र सत्रा जो हमारे ओलमा के सिक्योरिटी के हैं, जो मेरे ओलमा के सिक्योरिटी मौलाना इम्तियाज इकबाल साहब जमीयत के लीडर अराकी हैं, आपके हादसे में मुतासर होने वाले अहल खाना और हाजरी महाराष्ट्र जमीयत उलमा हो और महाराष्ट्र में माने गांव जमीयत उलमा हो, पूरे मुल्क में अपने लंबे खिदमात की वजह से जानी और पहचानी जाती है। माने गांव शहर मुकैरीन शहर का मुकैरीन का शहर है और यहाँ के लोग जमीयत उलमा पर 100% एतमाद करते हैं और उनके एतमाद का केस न लगे जमीयत उलमा हमेशा इस बात के लिए कोशा रहती है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अहले खैर के तआवुन के साथ मालेगांव ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क भर में जहाँ कहीं आसमानी सुल्तानी इस तरह की आफतें आती हैं और लोग मुतासिर होते हैं, उनमें खास तौर पर मुसलमान जब मुतासिर होते हैं तो जमीयत उलमा इस बात के लिए हमातन तैयार रहती है कि उनकी दामे दिनमे कदमे सुपने जिस तरह का तआवुन हो सके किया जाए। अभी मौलाना इम्तियाज इकबाल साहब ने बताया कि आसाम जैसे दूर दराज सरहदी इलाके में अगर सैलाब आया और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मकानात कर गए तो जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने जिसमें मालेगांव का भी एक बहुत बड़ा तआवुन रहा, वहाँ पर सैकड़ों मकानात बना करके दिए गए और जमीयत उलमा के वो हमारे साथी जिन्होंने आसाम में जाकर के खिदमत अंजाम दी थी आज उस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीयत के लोग अपना वक्त अपनी सलाहियत अपना जान और अपना अपना माल लगा करके काम करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर जब जब आग लगने का सानहा पेश आया और गरीब लोग मुतासिर हुए तो उनके लिए मकानात बना करके देने का काम जमीयत उलमा ने किया है। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक शेख बकरावाला ने बताया कि ये सातवीं जगह है जहाँ पर जमीयत उलमा ने मालेगांव में मकान बना करके दिया है। आज इस मौके पर नई बस्ती में जिन 7-8 मकामात आग लगने से मुतासिर हुए थे, हमने इस दौरा किया और दौरा करने के बाद 5-10 हजार की इमदाद दे करके हमने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि हमने ये तय किया अपने साथियों के मशवरे से कि जब हम माजी में लोगों को मकानात बना करके दिए हैं तो आज इस वक्त जिनके मकानात जले हैं उनके लिए हम लोग मकानात बना करके देंगे और हमने ऐलान किया था। अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा करते हुए अल्लाह ताला ने हमारी लाज रखी और हमने मशवरे से जिस बात का फैसला किया था आज दिल के गहराइयों से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं के काम की तकमील हो चुकी है और आज इस मजलिस के अंदर हम अहले खाना को उनके मकानात उनके ताबे में देंगे। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए कबूल किया और इस खास हादसे को रुमान बना करके मालेगांव में हमने कहीं चंदा नहीं किया और किसी ने आकर के इस मामले के अंदर हमारी कोई मदद नहीं की। जमीयत उलमा का जो अपना रिलीफ फंड होता है हमने उसी रिलीफ फंड को इस्तेमाल करते हुए इस मकान मकानात की तामीर की है। आज इस मौके पर मकान बन गया, हमें खुशी है। अभी जैसे जो है मुतासरीन में से अली हसन साहब ने यह बात कही कि मेरा छोटा सा मकान था जिसकी छत बहुत नीची थी, 25 साल से मैं सामाजिक खिदमत कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, सियासत में भी मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा रहा, लेकिन 25 साल में मैं अपना मकान नहीं बना सका था। आज जमीयत उलमा के जरिए से अल्लाह का करम हुआ, मकान बन गया और जहाँ छत बहुत नीची थी आज ऊंची छत हो गई, ऊपर भी मकान बन चुका है। आप कहते हैं साहिबुल बैत के अगला बीमा भी घर वाला जानता है कि घर में क्या है,
पहले जिस हालत में रहते थे आज मकान को देख करके उनकी जुबान से जो अल्फाज निकले हमें इस बात का एहसास हुआ कि उनके उनको दिली खुशी हुई है और जमीयत उलमा के इस काम से वो खुश है और मुतमईन है। अल्लाह का एहसान है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है कि अल्लाह काम ले लेता है। मैं खास तौर पर जमीयत उलमा के तमाम अपने साथी जिन्होंने इस काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना हर मुमकिन तआवुन दिया, वक्त दिया, सलाहियत सबको किया, यहाँ निगरानी के लिए अब्दुलरहमान यहाँ पर जो है मौजूद रहे, अब्दुलरहमान प्यारे, और उन्होंने अपना काफ़ी टाइम दिया और इन मकानात की तामीर करवाई। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और उसी के साथ अपने साथियों का जिन्होंने अपना वक्त दिया, सलाहियत दी और मशवरे दे करके इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए और इसी के साथ हमारे शहर को अमन अमान अता फरमाए, आफियत अता फरमाए और लोगों की जान माल इज्जत और आबरू महफूज रहे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत साहब ने जो बात रखी उसको आगे बढ़ाते हुए इस शहर में जितनी जगह आग लगी है सब जगह जमीयतुल उलमा ने मकान बना कर दिया है। ये पहला मकान नहीं है, 7 जगह बनाया है। एक जगह कुछ मसलकी मामला आया तो मुफ्ती साहब बोले कि आप लोग हट जाओ तो हम हट गए। वो आज तक बना नहीं है, जबकि एक दादा विषय के साथी ने 10 लाख रुपये की मदद की लेकिन घर नहीं बना। नीयत के फर्क की वजह से ये मामला आया, ये मैं अपनी तौर से बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आग लगी, मुफ्ती इस्माइल साहब ने यहाँ दौरा किया, उन्होंने ऐलान किया कि जमीयत मकान बना के देंगी। आपके सामने जो मकान था उससे बेहतर हमने बनाने की कोशिश की है और अल्लाह जज़ा खैर दे जिन लोगों ने बनाने में मदद की है। और मैं एक बात वाजे तौर से कहता हूँ, कोई भी शख्स हमको एक पैसा फंड नहीं दिया है, जमीयतुल उलमा अपने तौर से बनाई है ये घर। मैं वाजे तौर से कहता हूँ कोई भी सरमायादार मुखलिस हजरात ने एक खड़कू पैसा नहीं दिया है, हमने अपने फंड जमीयतुल उलमा के फंड से ये तामीर किया है। ये बात वाजे तौर से समझ ली, ना बम्बई के लोग दिए ना मालेगांव के लोग दिए, ये मकान मालेगांव जमीयतुल उलमा ने अपने फंड से बनाया है। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म। मुल्क में मिलत मिल्लत और मसलक जहाँ जहाँ भी आसमानी ज़मीनी मुसीबत तकालीफ परेशानी होती है, जमीयतुल उलमा के अगराज मकासिद में से उसके बायलॉज में ये बात मौजूद है कि मुसलमानों की जानी माली मजहबी दीनी हिफाजत और उनके अकायद की तशख़्स की हिफाजत बिला तफरीक ये करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हर जगह जहाँ भी इस तरह की कोई भी बात पेश आती है, चाहे फसादात हो चाहे आसमानी ज़मीनी मुसीबत हो, हर वक्त जमीयतुल उलमा तैयार रहती है। उसी के नक्श कदम पर अमल करते हुए जमीयतुल उलमा मालेगांव ये भी हमारा वक्त तैयार रहती है। इससे पहले भी हमारे शहर के अंदर बड़े छोटे हादसात हुए और तो जमीयतुल उलमा ने अपने ख़ास मिशन के तहत बाज़ आबादकारी का फरीजा अंजाम दिया। यहाँ तक कि जमीयतुल उलमा ने मालेगांव ने सिर्फ मालेगांव नहीं बल्कि आसाम के अंदर बाज़ आबादकारी का मसला पेश आया, बिहार के अंदर बाज़ आबादकारी का मसला पेश आया, इसी तरह दीगर रियासतों में कोल्हापुर के अंदर सैलाब आया था वहाँ पर बाज़ आबादकारी का मसला पेश आया, कोकण के अंदर मकानात बना करके दिए गए उन लोगों के वहाँ भी मसला पेश आया। जमीयतुल उलमा ने शहरिया ने मालेगांव के तवस्सुत से और मुखैरान के तवस्सुत से लाखों रुपये की इमदाद इकट्ठी करके वहाँ पर पहुँचाई और उनको मकानात बना कर दिए। अभी हालिया जो हादसा हुआ है तो अपने शहर का और हमारी अपनी बस्ती का हमारे अपने मोहल्ले का हादसा था। जमीयतुल उलमा ने पहल करते हुए ये ऐलान किया कि मकानात इंशाल्लाह बना कर देंगे, मकानात अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। हम सब यहाँ इसी मकसद के लिए हाजिर हुए हैं कि जो मकानात के जो मालिक हैं उनको इसकी चाबी दी जाए और उसका जो है जो उनके सुपुर्द मकानात जो है कर दिए जाएँ। ये बात याद रहे कि जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड
मकानात बनाकर और इसी तरह दीगर इमदाद करती है, लेकिन शहर के मुखयरान, शहर के अहल खैर हजरात के ताउन से ये काम अंजाम पाता है। मैं ये उन लोगों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए, और हर वक्त खड़े रहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए, और हमारे शहर के अंदर ख़ास तौर पर अल्लाह ताला तमाम किस्म के हादसात से हमारे शहर को महफूज फरमाए, और अमन अमान, चैन, सुकून, इज़्ज़त और आफियत वाली ज़िंदगी शहरियान को अता फरमाए। मेरा घर गला, आज मैं लोग के सोशल वर्कर में लोग का काम करता हूँ, उसका सीधा अल्लाह ताला आप लोग की शक्ल में दिया है मुझे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक टूटा सा घर था, आज 20-25 साल हो गया मैं उसको बना नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के लोग ने कुछ सोचा, समझा, और आज इतना बड़ा, आज इस बारीक नीचे सा था, आज इतना बड़ा मकान बना के दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी तक मैं एक ही दिन तक तो मैं दूसरी हवा में था, बस अपने कौम की खिदमत करना और अपना घर देखना, लेकिन आज सियासत में रहना। लेकिन आज मैं ये चीज़ देखा हूँ कि तंजीमें जितनी भी हैं, जितनी भी तंजीमें बोलो, सिर्फ ये वार्ड के लोगों को या गरीबों को जितना तंजीमों ने मेहनत की है, ने जद्दोजहद की है, किसी ने किया, हर तंजीम लग के लोगों ने इस वार्ड के लिए, जले हुए घर के लिए मदद किया। मैं तमाम लोगों का, जमीयत का और तमाम मदद करने वालों का, तमाम तंजीमों का तहे दिल से, महलों वालों की तरफ से, तमाम हमारे दोस्त अहबाब की तरफ से, तमाम लोगों का, जमीयत के लोगों का बहुत बहुत